अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी शहर के वार्ड नंबर 11 में महादेव मंदिर से नवाब हॉल तक की सड़क की दुर्दशा बहुत ही खराब हो गई है। कई बार इस सड़क की जांच की गई, सड़क बनाने का प्रशासन ने आश्वासन भी दिए, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। प्रशासन से तंग आकर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के महासचिव तेजस अभ्यंकर ने नगर परिषद भवन पर चढ़कर कूदो आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया। इसके लिए वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिल्डिंग पर चढ़ गए। इस कूदो आंदोलन से प्रशासन की नींद उड़ गई। आखिरकार प्रशासन ने उनकी सुध ली और आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। इस संबंध में मंगलवार को नगर परिषद के सीओ के साथ बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद आखिरकार आंदोलनकारी नगर परिषद की इमारत पर चढ़ गए। इससे कुछ देर के लिए प्रशासन सख्ते में आ गया। आखिरकार तहसीलदार पुष्पा सोलंकी के मुख्याधिकारी दादाराव डोल्हारकर ने प्रदर्शनकारियों को से दोबारा चर्चा की और लिखित के बाद वादा किया कि 15 दिनों के भीतर सड़क कार्य का बजट शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शनकारी इमारत से नीचे उतर आए। इस समय पर नगर परिषद में पुलिस बल तैनात किया गया था। 20 वर्ष पूर्व अंजनगांव नगर परिषद अंतर्गत येणारा नवगजी प्लॉट येथील मुख्य रस्ता अत्यंत खराब झालेला आहे। त्या ठिकाणी बहुसंख्य लोकांची त्या रोडून वर्दळ आहे, परंतु नगर परिषद प्रशासनाचे याकडे लक्ष नव्हते। हे आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आम्ही त्यांना लक्ष केंद्रित करून दिले आणि नगर परिषदेवर चढून आम्ही त्याचा तीव्र निषेध केला, आंदोलन केलं। तालुका दंडाधिकारी तहसीलदार मॅडम या ठिकाणी आल्या होत्या, त्यांच्या विनंतीवरून आम्ही येत्या 15 दिवसात आम्हाला आमच्या कामाची मार्गी लावण्याचं त्यांनी आश्वासन दिले। त्यांच्या विनंतीवरून आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेतलं। महान्यूज 7 के लिए जावेद शाह, अमरावती।